जैसा कि नाम से पता चलता है, मिनिएचर यानी कि लघु चित्र रंगीन हस्तनिर्मित चित्र है जो आकार में बहुत छोटे हैं। इन चित्रों की उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक जटिल ब्रशवर्क है जो उनकी विशिष्ट पहचान में योगदान देता है। चित्रों में प्रयुक्त रंग विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे सब्जियों, नील, कीमती पत्थरों, सोने और चांदी से प्राप्त होते हैं, जबकि दुनिया भर के कलाकार अपने चित्रों के माध्यम से अपने अपने विषय को व्यक्त करते हैं। भारत के लघु चित्रों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम विषय में राग या संगीत नोट्स का एक पैटर्न और धार्मिक और पौराणिक कहानियां शामिल है। लघु चित्र विशेष रूप से पुस्तकों या एल्बमों के लिए बहुत छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं। इन्हें कागज़ और कपड़े जैसी सामग्रियों पर क्रियान्वित किया जाता है। बंगाल के पालो को भारत में लघु चित्रकला का अग्रदूत माना जाता है, लेकिन मुगल शासन के दौरान कलारूप अपने चरम पर पहुंच गया। लघु चित्रों की परंपरा को किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ सहित चित्रकला के विभिन्न राजस्थानी स्कूलों के कलाकारों ने आगे बढ़ाया। लघु चित्रों की उत्पत्ति भारत में 750 ईस्वी सन के आसपास हुई, जब पालों ने भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। क्योंकि बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं उनकी छवियों के साथ ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, इसलिए ये चित्र लोकप्रिय हो गए। क्योंकि ये चित्र ताड़ के पत्तों पर किए गए थे, इसलिए स्थान की कमी के कारण इनकी प्रकृति लघु होनी चाहिए। लगभग ईस्वी सन 960 में चालुक्य वंश के शासकों द्वारा भारत के पश्चिमी भागों में इसी तरह के चित्रों की शुरुआत की गई थी। इस अवधि के दौरान लघु चित्रों में अक्सर धार्मिक विषयों की चित्रित किया जाता था। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ पहले से अज्ञात स्तर पर लघु चित्र पढ़ने लगे। कला के लिए अकबर के प्रेम के लिए धन्यवाद। भारतीय लघु चित्रों ने पेंटिंग की मुगल शैली को जन्म देने के लिए पर्शियन शैली की पेंटिंग के तत्वों को जोड़ा। ये लघु चित्र आगे मुगल दरबार में यूरोपियन चित्रों के प्रभाव से विकसित हुए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी लघु चित्रों और कलाकारों को राजस्थान के राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त था। हालांकि चित्रकला की मुगल शैली से प्रभावित राजस्थान के लघु चित्रों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थी और अक्सर भगवान कृष्ण और राधा की शाही जीवन शैली और पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। इनमें से अधिकांश लघु चित्रों में राजाओं और रानियों की जीवन शैली को दर्शाया गया है और उनकी बहादुरी की दास्तां भी सुनाई गई है। इनमें से कुछ चित्रों को विभिन्न शासकों के उनके संबंधित विषयों और राज्यों के प्रति योगदान को प्रदर्शित करने के लिए भी बनाया गया था। पाल शैली से शुरू होकर कई शताब्दियों के दौरान भारत में लघु चित्रों के कई स्कूल विकसित हुए, जैसे कि पाला, मुगल, जैन, ओरिसा, पहाड़ी, डेक्कन तथा राजस्थानी। यह स्कूल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल के उत्पाद थे। यद्यपि लघु चित्रों के ये स्कूल एक दूसरे से प्रभावित थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं भी थीं।